नमस्कार, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। लोकसभा चुनाव 2019 के 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, अब 4 चरणों के मतदान अभी बाकी है। कल चौथा चरण है जहां पर कल 9 राज्यों में 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसे राज्य का सर्वे लेकर आया हूं जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। मैं सर्वे लेकर आया हूँ गुजरात का। गुजरात का सर्वे द लाइव टीवी ने किया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है गुजरात में लोकसभा इलेक्शन 2019 में। वहीं बता दूं, गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी को 100 का भी आंकड़ा नहीं छूने दिया था। 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रह गई थी। टोटल सीटें जो हैं गुजरात की वो 26 सीटें हैं। सर्वे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर दिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2014 की। 2014 में गुजरात में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली थी? गुजरात में 2014 में भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें जीती थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। अब विधानसभा चुनाव हुए थे अभी कुछ टाइम पहले गुजरात में, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। अब देखना यह है कि गुजरात में लोकसभा इलेक्शन 2019 में अच्छा प्रदर्शन कर पाती, जैसे विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस में, आपको आगे पता चलने वाला है इस सर्वे में। द लाइव टीवी का सर्वे, ये सबसे ताजा सर्वे द लाइव टीवी का। ये बड़े बड़े चैनलों की तरह ये सर्वे नहीं किया गया, ये सर्वे एक जमीनी स्तर पे किया गया। जमीन जो गलियों में छोटे छोटे गांवों में इस सर्वे में पूछा गया गुजरात में जाकर। तो सर्वे में द लाइव टीवी के सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि 2014 की तरह मोदी लहर नहीं है गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी 26 में से 15 सीटें जीत सकती है, जहां 2014 में 26 की 26 सीटें जीती थी। यहां पर 11 सीटों को नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी है गुजरात, जो गढ़ माना जाता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी आते हैं, उस गढ़ में 11 सीटों को नुकसान होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 15 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी 11 सीटें जीत सकती है, जहां 2014 में खाता भी नहीं खोल पाई थी। यहां पर 11 सीटों को फायदा होता दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को। जहां विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करा था, यहां पर लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो द लाइव टीवी के सबसे ताजा सर्वे में यही निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में गुजरात में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 11 सीटों को फायदा हो रहा है, 11 सीटें जीत सकती है, 11 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है लोकसभा इलेक्शन 2019 में। चलिए आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में गुजरात में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दिए ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दिएगा। अगर आप और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।